Welcome to this video. In this video we are going to learn how we can design the sign up form, registration form banayenge Flask ke andar. Theek hai, chaliye start karte hain. To thoda fast coding ho aur video thoda short ho, isliye hum ChatGPT ka use kar lete hain. So ise puch lete hain ki ek chota sa code de do jisme hum sign up ka code ho aur main line by line aapko samjha dunga. Theek hai, so sign up form in Flask with templates. Okay. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा app.py है, app.py फाइल हो गया आपका जिसमें हम ये कोड डालेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप विजुअल स्टूडियो कोड खोल लो, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो और वहाँ पे एक नया फाइल बना लो. सो मैंने app.py बना लिया है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो. ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं. इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आपको फ्लास्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा. अगर आपके पास फ्लास्क नहीं तो इंस्टॉल कर लें. इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट करना है. इंपोर्ट करने में आपको फ्लास्क करना है, इसके रेंडर टेम्पलेट करना है जिसके हेल्प से हम कोई भी एचटीएमएल का पेज दिखा सकते हैं. फिर रिक्वेस्ट, मतलब कोई रिक्वेस्ट डालेगा, साइन अप का रिक्वेस्ट डालेगा, लॉग इन का रिक्वेस्ट डालेगा उसकी, और रीडायरेक्ट करने के लिए है, और ये URL फॉर. ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है, आप बता रहे हो कि कौन से पाथ पर आपको ये पेज दिखाना है. तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स दिखेगा, इंडेक्स.html. अगर साइन अप पर कोई आता है तो साइन अप वाला पेज दिखेगा. ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स और डेस्टिंग है तो एक हमें इसके लिए टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, सो नया फोल्डर में आते हैं, टेम्पलेट्स न्यू फोल्डर. ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं अपने इंडेक्स और डेस्टिंग. ठीक है, कोड यहाँ पे होगा ही, कोड इधर से पिक कर लेते हैं. सो यहाँ पे इसने क्या बोला, देखिए, क्रिएट अ फोल्डर में टेम्पलेट्स इन द सेम डायरेक्टरी एज app.py एंड इनसाइड दिस फोल्डर वी नीड टू क्रिएट index.html. सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस, मैंने पेस्टेड इट हियर. और इसमें क्या है, कुछ नहीं है, HTML स्टार्ट हो रहा है, हेड है, टाइटल इन्होंने दे दिया है, फिर बॉडी में इन्होंने क्या एक फॉर्म बना लिया. फॉर्म के दो एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, एक यूज़र नेम के लिए, सेकंड पासवर्ड एंड लास्ट वन इज द सबमिट बटन. ठीक है, जैसे आप किसी सबमिट पे क्लिक करोगे साइन अप पे आ जाएगा. ठीक है, डन, सेव कर देते हैं दोनों को. और इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस हमें रन करना है, बस ऐसे रन करना है. तो एक बार रन करते हैं, फिर हम कोड को app.py के कोड को समझेंगे. सो python3 app.py बाय डिफॉल्ट 500 कोड्स पे स्टार्ट हो जाएगा. जैसे मैं इसमें डाल रहा हूँ पिन पासवर्ड, लेट से मैंने डाल दिया 1 2 3 4. ओके, एंड आई एम क्लिक ऑन साइन अप, बट ये साइन अप पे क्या है, सो व्हाट्स द इशू, साइन अप एंड यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं. ओके, सो हम प्रिंट कर रहे हैं, कहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल पे, इस वजह से कंसोल पे प्रिंट हुआ. हम ये भी कर सकते हैं कि सो एक हम पेज भी बना सकते हैं और वहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बट नो वरीज, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं. और नीचे मैंने मुकुंद डाला, पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाला. तो अगर आप देखोगे कंसोल पे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा. सो मैंने साइन अप क्लिक किया एंड यू कैन सी हियर द यूज़र नेम इज दिस एंड द पासवर्ड इज दिस. सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, साइन अप का पूरा बना सकते हो. और ये कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो ये फॉर्म है, जैसे आपने साइन अप पे सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है, इस URL पे आए, और क्योंकि पोस्ट है, इसका जो टाइप है वो पोस्ट है, इस वजह से कुछ दिख नहीं रहा है. फिर जैसे ही इस वाले राउटिंग को आता है एज ए पोस्ट, तो क्या करता है, request.form करोगे तो डायरेक्टली आप फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे डायरेक्टली आप उसके नेम से उसको एक्सेस कर सकते हो. तो request.form यूज़र नेम किया,
तो जो भी मैंने यहाँ पे डाला था, यहाँ पे डाला था, वो वहाँ पे मिल जाएगा, सेम फॉर पासवर्ड। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आ गया और सेम चीज़ को क्या कर रहा है, प्रिंट कर दे रहा है, और उसको डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज पे ही हम कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक नॉर्मल साइनअप का पेज बना सकते हो। अभी तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। आप क्या कर सकते हो, कनेक्शन डेटाबेस से बना के डेटाबेस में सेव कर सकते हो। तो अगर आपको उसके लिए कोई वीडियो चाहिए तो आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।